धनबाद में चंदन स्टूडियो के द्वारा इस वर्ष भी शांति निकेतन के एफसी तर्ज पे राजेंद्र सरोवर पार्क बेकार बांध दोल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बंगाली समुदाय के प्राचीन पारंपरिक सांस्कृतिक दोल उत्सव में संस्कृति को बचाए रखना और इसका प्रचार प्रसार करना है। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत पलाश फूल के द्वारा नृत्य के माध्यम से किया गया। लगभग 150 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पीली साड़ी में पलाश, गेंदा फूल और हर्बल गुलाल की होली खेलते नजर आए। बच्चों के द्वारा नृत्य करते हुए पार्क भ्रमण भी किया गया। पलामू जिले के पाकी प्रखंड के कोनवाई में श्री रुद्र महायज्ञ सह शिव पंचायत नन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गाजेबाजी के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। पाकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, पूर्व प्रत्याशी लाल सूरज, भाजपा नेत्री लवली गुप्ता समेत कई दिग्गज कलश यात्रा में शामिल हुए। विधायक डॉक्टर मेहता ने भक्तों के बीच कलश का वितरण किया। कलश यात्रा अमानत नदी तट पे पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने कलश में जल भर कर वापस यज्ञ मंडप पहुंचकर कलश की स्थापना की। विधायक डॉक्टर मेहता ने यज्ञ को 51,000 सहयोग राशि प्रदान की, साथ ही चार दीवार निर्माण कराने की घोषणा की। कलश यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र श्यामडी में प्रतिवर्ष मासूम बाबा का सालाना उर्स मेला आयोजित किया जाता है, जहां मेला कमेटी द्वारा कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कव्वाली कार्यक्रम जारी था और पूरा स्टेज धराम से गिर गया। बताया जाता है कि बृहस्पतिवार की देर रात कव्वाली का आयोजन चल रहा था, उसी दरमियान पूरा स्टेज गिर गया। इस घटना में कव्वाली गा रहे कलाकारों और बैठे लोगों को आंशिक चोट लगी है। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रामगढ़ के भरकुंडा के सौदा बस्ती में बड़कागांव विधायक कम्बा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि बेदका बावरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना से लोगों में उबाल है। मृतक की पत्नी ने नौकरी और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया। लोगों ने रांची भरकुंडा रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। समाज सेवी इंद्रजीत झा के नेतृत्व में सैकड़ों युवा भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। किसलय तिवारी ने सभी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने कहा कि राज्य की पार्टी जेएमएम युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, जिसे निराश होकर सैकड़ों युवाओं ने भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि सरकार के 3.5 साल बीत गए, लेकिन राज्य में खुद की नियोजन नीति तक नहीं बनी। धनबाद में शनिवार को रेलवे द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान से परेशान स्थायी दुकानदारों ने रविवार को विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में उपायुक्त से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी बात रखी और न्याय की मांग की। इस दौरान विधायक राज सिन्हा ने उपायुक्त दुकानदारों की समस्याओं को लेकर वार्ता की और रेलवे के अधिकारियों से बात कर समस्याओं से निजात दिलाने के अनुरोध की, जिसके बाद उपायुक्त ने वार्ता के लिए फिर से दुकानदारों को बुलाया है। इस मामले में उपायुक्त संदीप सिंह ने जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि रेलवे द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। जिला प्रशासन को ये दुकानदार किराया देते हैं और रेलवे आकर खाली करवा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह शनिवार को झरिया के भौरा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पहुंचे। विद्यालय परिसर में डीएमएफटी फंड द्वारा नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। डीसी ने संबोधित अभियंता को सामग्रियों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया, साथ ही तय समय में बेहतर गुणवत्ता के साथ काम संपूर्ण करने का निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि संबंधित विभाग के अधिकारियों और संवेदक को काम संपूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं धनबाद उपायुक्त ने पूरे विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया और उपस्थित शिक्षकों और छात्राओं से बात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए और साथ ही समस्याओं के जल्द से जल्द निदान करने का निर्देश भी दिया। पाकुड़ आरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को रामपुर हाट गया पैसेंजर से लगभग 1 लाख की विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि होली को लेकर शराब बिहार के मुंगेर जिला ले जाया जा रहा था। अवैध शराब पश्चिम बंगाल के मुरागोई से खरीद कर गया पैसेंजर ट्रेन में चढ़े थे और आरपीएफ द्वारा पीछा किया गया और पाकुड़ आते आते शराब तस्कर को धर दबोचा। ये तीनों मुंगेर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।